हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवाई और अडोबी की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है सैलरी पे। जाओ 5 LPA से भी आगे जा सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस के ऊपर। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है इसमें, डेटा इंजीनियर, सैप इंजीनियर, देन आपका टेक्निकल कंसल्टेंट इंटर्न, ठीक है। तो इसमें आपका 23 भी एलिजिबल है और उससे पहले वाले भी। तो वन बाय वन सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर में किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करोगे तभी, ठीक है। ऑलरेडी हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, चाहे किसी भी कंपनी से हायरिंग रिलेटेड हो, चाहे किसी कंपनी से अपडेट रिलेटेड हो, वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप गो थ्रू हो सकते हो। और किसी भी टॉपिक पे अगर बात कर लेना, हमने वीडियो बना रखी है। और उसके अलावा हमने ना क्या बोलते हैं, कंपनी के अकॉर्डिंग भी टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी हो गया, कोग्निजेंट हो गया, देन विप्रो, जो हो, एक्सेंचर, TCS, Infosys, इनके रिलेटेड भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक, ये दो अपॉर्चुनिटी है, एक आपकी EY की है, दूसरी आपकी Adobe की तरफ से, ठीक है। सबसे पहले हम EY के बारे में बात कर लेते हैं, जो ऑफ कैंपस हायरिंग रजिस्ट्रेशन है। और ये जो बेंगलुरु हो गया, गुरुगांव हो गया, हैदराबाद, कोची, कोलकाता और त्रिवेंद्रम की है। तो हम सबसे नीचे आ जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इधर दीज स्ट्रीम्स, IT और कंप्यूटर, ठीक है, सर्किट ब्रांचेस और रिलेटेड फील्ड। उसके अलावा आपको कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए और शुड बी हैव 60% और इससे अबव, या तो 60 हो या तो उससे अबव हो। उसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब इसकी नॉलेज होनी चाहिए, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, इनके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और इनमें से कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यानी कि जावा हो गया, .NET हो गया, पाइथन हो गया, इन सब के बारे में किसी एक की नॉलेज होनी चाहिए। फिर हो गया SQL हो गया, Teradata हो गया, डेटा एनालिस्ट के बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है ना, दो प्रोफाइल है, एक आपकी है डेटा इंजीनियर जो एसोसिएट है, और दूसरी आपकी सैप इंजीनियर, ठीक है। और इन दोनों के लिए यहाँ पे आपके लिए लिखा भी हुआ स्किल सेट, ठीक है, ऊपर आपकी प्रोफाइल के बारे में बताया हुआ है और नीचे आपको स्किल सेट कौन सी होनी चाहिए। तो दोनों में से अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई तो कर देना, अप्लाई तो वो तो आपके स्किल सेट के ऊपर ही डिपेंड करता है आपको कौन सी प्रोफाइल मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं अडोबी की। अडोबी की जो है, ये देख सकते हो आप, 1 फरवरी को ही अपलोड की गई है, और ये 2 लोकेशन के लिए है, नोएडा उत्तर प्रदेश और बेंगलुरु कर्नाटका। जो 23 इंटर्न टेक्निकल कंसल्टेंट इंटर्न की होने वाली है अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ठीक है। तो अप्लाई जरूर करना, और अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक करना। मेरे हिसाब से तो आप दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।